हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि कल्याण मंत्रालय, जो कृषि की कुछ संस्थाएं हैं उनके बारे में। हम इसमें हॉर्टिकल्चर की जो संस्थाएं हैं कुछ उनके बारे में जानेंगे, बाकी जो संस्थाएं वो हम एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने के लिए। तो देख लीजिए संस्थाओं के नाम, पहला देख लीजिए भारत सरकार कृषि मंत्री। भारत सरकार के कृषि मंत्री कौन कौन है, कौन है? इस मंत्रालय के अंदर दो विभाग काम करते हैं। भारत सरकार का कृषि मंत्री के अंदर दो विभाग काम करते हैं। पहला कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, जिसे ड्राई कहते हैं, DARE ड्राई, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। और दूसरा कृषि सहकारिता एवं कृषि कल्याण विभाग काम करता है। तो भारत सरकार का कृषि मंत्री के अंदर, जो भारत सरकार कृषि मंत्री है उनके अंदर दो विभाग आते हैं जो काम करते हैं। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, जिसे DARE, जिसकी स्थापना 1973 में हुई। और दूसरा कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग आता है। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह हैं, याद रखना, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह हैं। मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं। मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं वर्तमान। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ASRB की स्थापना 1973 में हुई थी। तो दोनों की स्थापना 1973 में हुई थी, DARE की और ASRB की, दोनों की हुई थी। दूसरा देख लीजिए डॉक्टर RPCAU, इसका मतलब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार में स्थित है। अपनी दूसरी देख लीजिए रानी लक्ष्मी बाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, झांसी यूपी में है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में है। ये सबको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लीजिए आगे कृषि कल्याण मंत्रालय, अपना कृषि कल्याण मंत्रालय देख लीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपनी मेन संस्था है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, ये कहाँ अपना स्थित है? तो नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी किसके कहने पर हुई थी? तो रॉयल कमीशन की सिफारिश पर 16 जुलाई 1929 को पूसा नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। पहले ये पूसा बिहार में था, भूकंप के कारण ढल गया, इसीलिए इसे फिर साल भर के अंदर अंदर में नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया पूसा वाले रोड पर, इसीलिए इसे पूसा नई दिल्ली में इस समय वर्तमान में स्थित है। ये सब जितने हैं इसके विस्तार से मैं एग्रोनॉमी में बताऊंगा, इसमें सिर्फ इतना है, जितना है उतना है, देख लीजिए। इसका पहले नाम इम्पीरियल था, जो अपने अंग्रेज थे उस जमाने में ये बनाया गया था, तो उन्होंने अपने नाम पर रखा था इम्पीरियल। तो इसको 1949 में फिर संशोधन करके जब देश आजाद होने के बाद तो इंडियन इसको कर दिया गया, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, पहले इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर नाम था उसका। ICAR के प्रथम महानिदेशक DG डॉक्टर BP पाल है। ICAR के प्रथम महानिदेशक या DG डॉक्टर BP पाल हैं। ICAR के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक है, वर्तमान में इस समय हिमांशु पाठक हैं ICAR के महानिदेशक। ICAR के वर्तमान महानिदेशक, सॉरी ये थोड़ा गलती हो रहा, ये अध्यक्ष हम भी कह रहे थे, यहाँ पर अध्यक्ष लिख लीजिए। तो अपना ICAR के वर्तमान अध्यक्ष भारत के कृषि मंत्री होते हैं, और भारत के कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। भारत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है और ICAR के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। ICAR के प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्ला है, ICAR के प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्ला है। सॉरी थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं। अब देख लीजिए अगली पॉइंट, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये हमारा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग,
कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP की स्थापना 1965 में हुई। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP की स्थापना 1965 में हुई इसकी, इसकी लागत एवं मूल्य आयोग की। इंग्लिश नाम आप जरूर याद रखना, हिंदी इतना नहीं तो इंग्लिश जरूर याद रखना, इंग्लिश हर जगह पर रहती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम स्पॉट प्राइस, मिनिमम स्पॉट प्राइस MSP को घोषित कब किया जाता है, तो बुआई से पूर्व घोषित किया जाता है न्यूनतम समर्थन प्राइस का, मिनिमम स्पॉट प्राइस का। सिफारिश, ये सिफारिश किसका करता है, तो कमीशन CACP कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस MSP मिनिमम स्पॉट प्राइस की सिफारिश करती है। तो CACP MSP की सिफारिश करती है। MSP की घोषणा केंद्र सरकार करता है। MSP की घोषणा कौन करता है, तो केंद्र सरकार अपना करता है, प्रधानमंत्री जो अपनी होती है केंद्र सरकार करता है। MSP में 23 फसल को लिया जाता है, 7 खदान की फसलें, 7 तिलहन की, 5 दलहनी की और 4 व्यवसायिक को लिया जाता है। 7 खदान की, 7 तिलहन की, 5 दलहनी को, 4 व्यवसायिक को फसल को लिया जाता है। इसके अनुसार लीजिए, अब देख लीजिए अगली पॉइंट, नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष अपने कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य कौन है, थे तो प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, थे या हैं, हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, सॉरी हैं। किसान आयोग 2004 में बना, इसके अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामी, नहीं यार ये गलत मुझे लग रहा है, किसान आयोग 2004 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन, हाँ सही है, किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ, इसके अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ही है, क्योंकि हरित क्रांति को लाने वाले यही थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। सब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो सब दे गए उनको देख लीजिए, सब कुछ इंतजार कर सकती है सिवाय कृषि के। ये किसने कहा था, तो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, सब कुछ इंतजार कर सकती है लेकिन सिवाय कृषि के, लेकिन मत लगाना, सिवाय कृषि के है। दूसरा देख लीजिए, का बरखा जब कृषि शुरुआए थे, अपने तुलसीदास जी ने कहा है का बरखा जब कृषि शुरुआए। तीसरा देखिए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये सब आपने गाने में सुना होगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इस पे गाना भी बनाया, या किसने कहा था, तो मनोज कुमार ने कहा था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अगला पॉइंट देखिए, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, या किसने कहा था, तो महात्मा गांधी, एक के लिए या सही भी है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है, इसीलिए भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। और लास्ट पॉइंट देखिए, डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नोनी सोलन में स्थित है। डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नोनी सोलन में स्थित है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास कैसी लगी, आप कमेंट सेशन के माध्यम से बताइए। बाकी ये इतना ही था इसमें हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो यूनिवर्सिटियां हैं सेंट्रल, स्टेट, वर्ल्ड, ये सब हम लोग एग्रोनॉमी में बताएंगे, जब एग्रोनॉमी का चैप्टर आएगा यूनिवर्सिटी वाला जो कृषि संस्थाओं के नाम, तो उसमें बता देंगे। बाकी क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेशन के माध्यम से बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।